ऊपर रख दिए और बोले, घबरा मत, सब ठीक हो जाएगा। उसी दिन मेरे ड्राफ्ट भी आ गए और मैं सब चिंताओं से मुक्त हो गई। सन 1960 की घटना है। महाराज जी का दरबार जिलाधीश नैनीताल की कोठी में लगा था। उन्होंने एकाएक जिलाधीश को आदेश दिया कि किसी को इंदिरा फार्मेसी भेजकर वहां से इंद्रायणी नाम की महिला को यहां बुलाओ। जिलाधीश ने उसी समय एक पुलिस के सिपाही को भेजकर उनकी आज्ञा का पालन किया। श्रीमती इंद्रायणी एक संपन्न घराने की विदुषी एवं साधु प्रकृति की महिला हैं। सन 1947 में आपको पाकिस्तान में अपनी संपदा का मोह त्याग कर अपने परिवार सहित भारत आना पड़ा। आपका उस समय भी खेरी पालिया में फार्म था और वे वहीं जाकर रहने लगीं। गर्मियों में आप नैनीताल आया करती थीं। इस समय आप जिलाधीश की कोठी के पास एक मकान में निवास कर रही थीं। पालिया से आपका खर्चा इंदिरा फार्मेसी के पते से आया करता था। इस बार इनके पास खर्चा नहीं पहुंचा। आप कर्जा लेकर किसी प्रकार दिन व्यतीत कर रही थीं, पर समय की बलिहारी कर्ज की अदायगी भी नहीं हो पाई। घर में खाने को भी नहीं रहा, इस कारण आप अत्यंत उदास और दुखी थीं और इंदिरा फार्मेसी गई थीं गुजारे के लिए आगे कर्जा लेने को। इंदिरा फार्मेसी पहुंचने के कुछ ही समय बाद एक पुलिस का सिपाही आपके पास आकर खड़ा हुआ। उसने आपका नाम पूछा। आप कहती हैं कि सिपाही के इस प्रश्न से मैं चौंक पड़ी और अपना नाम बताते हुए मैंने उससे उसके प्रश्न का कारण पूछा। सिपाही बोला, आपको जिलाधीश की कोठी में याद किया जा रहा है। मैं इस उत्तर से घबरा उठी। सिपाही कहने लगा, घबराने की कोई बात नहीं है, वहाँ पर बाबा नीब करोरी बैठे हैं। उन्होंने आपको बुलाने के लिए जिलाधीश से कहा था और मैं उस हुक्म की तामील के लिए आपके पास आया हूँ। मैंने पहले कभी बाबा जी के दर्शन किए नहीं थे। मुझे महान आश्चर्य हुआ कि नाम बताते हुए उन्होंने कैसे मुझे कोठी में बुलवाया। अस्तु, मैं सिपाही के साथ जिलाधीश की कोठी में गई। मुझे देखते ही बाबा जी प्रसन्नता से चिल्ला उठे, हमारी इंद्रायणी आ गई। यह उनके दर्शन का प्रभाव था कि जैसे 4 वर्ष का बालक अपनी माँ के आगे रोता है, उसी प्रकार मैं भी अपने दुख के कारण उनके सामने रोने लगी। बाबा जी ने अपने दोनों हाथ मेरे सिर के ऊपर रख दिए और बोले, घबरा मत, सब ठीक हो जाएगा। उसी दिन मेरे ड्राफ्ट भी आ गए और मैं सब चिंताओं से मुक्त हो गई। हर रोज़ महाराज जी की कथाएं सुनने के लिए रक्षा सूत्र चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। घंटी बजाना ना भूलें। कमेंट बॉक्स में लिख भेजें, जय नीब करोरी बाबा जी महाराज। बोलो नीब करोरी बाबा जी महाराज की जय। बोलो